बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद्यालय में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि 22 रजब को लोग न्याज में बनाते हैं। तो चले फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्ला करते हैं, चले आते हैं किचन में और मैं बताती हूँ कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैदा 2 किलो, मैं इसे सिर्फ मैदे से बना रही हूँ, इसमें सूजी बिल्कुल भी शामिल नहीं कर रही हूँ। 2 किलो मैदे के लिए हमें चाहिए 1.25 किलो चीनी, यानी 2 किलो से 1 पाव कम। मैंने 1.25 किलो चीनी ली है और उसको मैंने ग्राइंडर में बारीक बारीक पीस लिया है। और इसके लिए मुझे चाहिए 0.5 किलो खोपरा। खोपरा मैंने साबत बाज़ार से लेकर, जो खुश खोपरा बाज़ार से मिलता है, उसे ग्राइंडर में मैंने खुद क्रश किया है, ये बाज़ार का क्रश किया हुआ खोपरा नहीं है। 1 पाव मैंने देसी घी लिया है, आप चाहे तो बनस्पति या देसी कुछ भी ले सकते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने इलायची पाउडर के लिए है। सबसे पहले मैदे में चीनी मिक्स कर दूंगी। चीनी को मिक्स करके इसके बाद में इसमें नारियल डाल दूंगी। साथ ही इलायची पाउडर भी डाल दूंगी और फिर तमाम खुश चीजों को जरा सा मिला लूंगी। अब मैं दरमियान में एक थोड़ा सा सुराख सा बना लूंगी और उसके अंदर घी डाल दूंगी। अब पहले हाथों से इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, बाद में इसे गूंदेंगे। पहले घी को इन चीजों में मिक्स करना है अच्छी तरह से। हाँ जी, देखिए इस तरह से मैं दोनों हाथों से इसे मिक्स कर रही हूँ। इससे ये होगा कि सारा घी एक ही दफ़ा से आटे में मिल जाएगा, सारे मैदे में शामिल हो जाएगा। अगर हम पहले इसमें साथ ही पानी डाल दें तो कहीं घी ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। पहले हम खुश चीज़ें मिला के फिर इसमें कूदेंगे। अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना, हमें काफ़ी सख्त आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि ज़्यादा ना हो जाए। दरमियान में पानी डाला तो सारा मैं मैदा उठा उठा के इसमें मिलाती जाऊंगी, तो अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि हमें कितना सख्त आटा चाहिए। हमें काफ़ी सख्त आटा चाहिए, अगर नरम हो गया तो टिक्कियाँ बिल्कुल टूटने लग जाएंगी, फैल जाएंगी। देखें आटा कितना सख्त है कि वो परात में कहीं भी चिपक नहीं रहा, परात को बिल्कुल उसने छोड़ दिया है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना सख्त आटा है। देखें बस इतना ही सख्त हमें आटे को रखना है। आटा गूंद के हमें 2 घंटे के लिए से रेस्ट दे देना है और उसके बाद फिर हम इसकी टिक्कियां फ्राई करेंगे। दो घंटे गुजर गए, अब ये देखें मैं इसके ना बड़े बड़े से पेड़े बना लूंगी। फिर मैं इसकी टिक्कियां कटर से काटूं, ग्लास से या कप से, किसी से आप चाहे तो हाथ से बना सकते हैं, लेकिन हाथ से बनाने में बहुत देर लगती है। ये देखिए एक टिक्किया मैंने हाथ से बनाई है, आप चाहें तो इस तरह बना सकते हैं, अगर जब ज़्यादा लोग हैं तो सब लोग मिल जाएं और सब लोग बना लें, लेकिन मैं तो इसको इस तरह बनाऊंगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इसे बड़ी सी रोटी को लूँगी और इसे बेलन को भी मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी, थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और उसके बाद मैं बड़ी सी रोटी बना लूँगी। बहुत पतली रोटी भी नहीं बनानी और बहुत मोटी रोटी भी नहीं बनानी, क्योंकि बहुत पतली होगी तो पापड़ की तरह से बन जाएंगी और बहुत मोटी रोटी होगी तो फिर ऊपर से टिक्कियाँ पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। देखिए बड़ी सी रोटी बन गई, मैं ग्लास की मदद से इसकी टिक्कियाँ काट लूँगी। और हाँ, आपने इसे बहुत तेज़ आयल में नहीं फ्राई करना, मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। और घी भी आपने जितना मैंने बताया है 2 किलो में 1 पाव इतना ही डालना है।
क्योंकि अगर हम घी ज़्यादा डालेंगे ना तो टिक्कियाँ बिल्कुल खुल जाएंगी, क्योंकि इसमें नारियल भी हमें ताज़ा वाला डाला हुआ है, उसका अपना ही काफ़ी ऑयल निकल आया है। देखिए मैंने काफ़ी सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, एक ही बड़ी सी रोटी से कितनी सारी टिक्कियाँ बन गई हैं। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। अगर एक वक्त में बस 4 या 5 टिक्कियाँ फ्राई करनी है, इससे ज़्यादा टिक्कियाँ आपने फ्राई नहीं करनी। बड़ी ही प्यारी गोल्डन से कलर की हो जाएंगी ये। इसे हमने बार बार नहीं हिलाना चुलाना, वरना टिक्कियाँ खुल जाएंगी। जब एक तरफ से पक जाएंगी तो हम दूसरी तरफ से इसको पका लेंगे और बस फिर निकाल लेंगे। बड़ा ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता है इसका। देखिए अब एक तरफ से हो गई, अब हम दूसरी तरफ से इसे पकाएंगे। देखिए हमने इस कलर की करके इसे निकाल लेना है। ये हमारी टिक्किया की फाइनल लुक है। ये ऐसी हो जाएंगी तो सारी टिक्कियाँ हम निकाल लेंगे। हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी सी, गोल्डन सी 22 अजब की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। अगर आप लोगों को मेरी टिक्कियों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।